नमस्कार, स्वागत है आपका MSW न्यूज में। रेणुका बाग परियोजना के अंतर्गत उपमंडल संघाट के ग्राम पंचायत सैर तंदुला में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन में मुख्य अतिथि बलबीर चौहान रहे तथा साथ ही कनिष्ठ अभियंता अमिता चंदन ने पुनर्वास और पुनर्विस्थापन की जानकारी दी। परियोजना से प्रभावित विभिन्न पंचायतों में डैम प्रबंधन की ओर से हर साल इस तरह के खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। पेश है हमारी एक रिपोर्ट। और आपकी ग्राम पंचायत सैर तेंदुला की तरफ से हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का बहुत बहुत आभारी हूँ। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज पहली बार जब से ये पावर कॉरपोरेशन रेणुका जी में आया, आपका एरिया पहले भी जो है डूब क्षेत्र में था, किंतु पहली बार शायद हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस डैम परियोजना के कार्यकाल में आई। तो पहले क्या होता था कि जितने भी कार्यक्रम होते थे रेणुका डैम के, मैं अधिकारी महोदय आपके ध्यान में भी लाना चाहता हूँ कि सारे के सारे कार्यक्रम पारी होते थे। डूब क्षेत्र में हमारा सैर तेंदुला पंचायत भी आती है, हमारी गुवाही पंचायत भी आती। आज तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे ध्यान में यहाँ के कुछ नौजवान साथियों ने लाया कि डूब क्षेत्र में ये हर साल जो है, जो रेणुका डैम है, ये खेलकूद प्रतियोगिता के लिए जो है कुछ इनाम इनके पास है और ये खेल को बढ़ावा देने के लिए जो है इनके पास कुछ फंड है। मैंने बात की GM साहब से और पुंडीर साहब से कि इस बार चाहे जो मर्जी रूठे, इस बार ये कार्यक्रम सैर तेंदुला में होना चाहिए। तो इस बात की आपको बहुत बहुत बधाई दे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके इस खेलकूद प्रतियोगिता के लिए रेणुका डैम जो है 50,000 रुपये की राशि जो है खर्च कर रहा है, जिसके तहत आपको यहाँ पर जो इस खेलकूद प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान जिन्होंने हासिल किए उनको जो है डैम की तरफ से जो है इनाम भी दिए जाएंगे। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज आपके बीच में चुनाव के बाद पहली बार आने का मौका मिला, मैं दिल की गहराइयों से सैर तेंदुला वासियों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपने दिल खोलकर अपने भाई का साथ दिया, हमारा बहुत समर्थन किया और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। भाई बहनों, हार जीत होती रहती है, ये कोई कुंभ का मेला नहीं है। 5 साल के बाद दोबारा लड़ाई शुरू होती है। हमने अभी हार नहीं मानी है, हम दिन रात आपके बीच में, आपके दुख सुख में और आपके विकास के लिए दिन रात हाजिर है। आपको इस बात की बधाई देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इस बात की आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो आपने एक एक वोट दिया, उस वोट का आपको जो है एक एक वोट का कर्जा उतारूंगा, आप निश्चिंत रहना। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय जयराम ठाकुर जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। हमें आज बड़ी खुशी है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र से यहाँ एक अधिकारी है, आप खड़े हो जाइए। ये जयराम ठाकुर जी की चुनाव क्षेत्र से है, रेणुका डैम में SDO के पद पर विराजमान है। आपका शुभ नाम है? भाजपा प्रत्याशी श्री बलबीर चौहान जी। इसके साथ ही हमारे यहाँ उपस्थित अन्य पूर्व ग्राम पंचायत प्रधान, महिला मंडल ग्राम पंचायत सेतु दुल्ला से जो भी महिला मंडल प्रधान है, और यहाँ उपस्थित हमारी जो टीम्स हैं जिन्होंने अलग अलग
स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है एवं यहाँ उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति जिनका मैं नाम नहीं ले पाई हूँ, आप सबका रेणुका बांध परियोजना की तरफ से मैं स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए समय निकाला और एक दर्शक की बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है आपने। तो रेणुका बांध परियोजना के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहूँगी। इस तरह की जो योजनाएं हैं, जैसे ये स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है, ये हमारे पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना के तहत हम ये मतलब आयोजन